हाय गाइस, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आपका ही खुद का यूट्यूब चैनल स्विंग फैंटेसी में। फ्रेंड्स, आज का जो मैच मैं कवर करने वाला हूँ केबीओ बेसबॉल, जो कि गाइस एनसीडी और डीओबी के बीच में खेला जाएगा। तो दोस्त, इन दोनों टीम में से कौन से प्लेयर को हम अपने ड्रीम इलेवन में पिक करेंगे, जो हमारे लिए अच्छा खासा पॉइंट कलेक्ट करके हमें विन करा सकता है। उसके साथ साथ इस दोनों टीम का आज के मैच में पॉसिबल लाइनअप, बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस, बेस्ट स्मॉल लीग ग्रैंड लीग चॉइस, बेस्ट प्लेयर चॉइस के साथ मैं आपको मेरा ड्रीम इलेवन टीम बना के दिखाऊंगा। तो गाइस, वीडियो में जानने के लिए बहुत कुछ है, तो वीडियो में कोई भी जगह स्किप मत करना। अगर कोई भी जगह वीडियो में कोई भी जगह स्किप करती हो तो आपको प्लेयर समझ में मैच समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आप कोई भी लीग कोई भी कॉन्टेंट ज्वाइन करो तो इजीली हार सकते हो गाइस। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो अंत तक जरूर देखना है। गाइस, अगर आपको इस मैच का फाइनल टीम चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जाकर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा। उसके साथ साथ गाइस, अगर चैनल में नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में जो बेल वाला आइकन है वो भी क्लिक कर देना। जब भी हम यूट्यूब में न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो देख के आप भी अपडेट रहोगे। तो गाइस, इस दोनों टीम के बारे में डीपली डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जैसे कि देख सकती हो गाइस, ये है स्विंग फैंटेसी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। अगर अभी तक आपने इस टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन किया होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना फायदा क्या है गाइस, या तो फ्री में विनिंग, फ्री में टीम देने वाला हो, फ्री में विनिंग कराने वाला हो, फ्री में लाइनअप मिल जाएगा या फ्री में मैच रिलेटेड एनी अपडेट मिल जाएगा। जैसे कि मान के चलिए मैं वीडियो टीम में कुछ भी चेंज वगैरह करता हूँ उसका भी आपको फुल एनालिसिस करता 100% फ्री टीम आपको टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ आपको क्या करना है गाइस, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना है। उसके बाद आपको गाइस मैच शुरू होने से पहले टेलीग्राम में आपको 5 मिनट एक्टिव रहना पड़ेगा। उन 5 मिनट में जो टीम देंगे वो टीम आकर लेकर खेलते हो तो अच्छा खासा परसेंटेज आप कोई भी लीग कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो तो इजीली विन कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस टेलीग्राम को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना। जैसे गाइस देख सकते हो, जो हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं वो 1000 रुपये विन कर रहा है, शायद उन लोग का लॉस कवर कर रहा है या प्रॉफिट कवर है इस फिल्म में से। गाइस, अगर आप लोग भी चाहते हो आप लोगों का लॉस कवर करना या प्रॉफिट कमाना तो डेफिनेटली टेलीग्राम को जरूर से लेकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस मैच का जो मेरा फाइनल टीम होगा मैं टेलीग्राम में देने वाला हूँ। तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। तो गाइस, इस दोनों टीम के बारे में डीपली डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, पहले देखेंगे इस दोनों टीम का रीसेंट 5 मैच में फॉर्म क्या था। जैसे गाइस देख सकते हो, डीओबी ने रीसेंट 5 मैच में 2 मैच विन करके आ रहा है, 3 मैच लॉस्ट करके आ रहा है और 0 मैच ड्रॉ करके आ रहा है। गाइस, बात करें एनसीडी का, एनसीडी रीसेंट 5 मैच में 1 मैच विन करके आ रहा है, 4 मैच लॉस्ट करके आ रहा है और 0 मैच ड्रॉ करके आ रहा है। गाइस, बात करें टोटल मैच डिटेल्स के बारे में, जैसे गाइस देख सकते हो एनसीडी ने अभी तक 72 मैच खेला है, उनमें से 37 मैच विन किया और 35 मैच लूज करके आ रहा है। गाइस, बात करें डीओबी का, डीओबी भी 74 मैच खेला है, उनमें से 37 मैच विन किया और फिर 35 मैच लूज करके आ रहा है। गाइस, बात करें दोनों टीम का 6 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड के बारे में, जैसे कि देख सकते हो एनसीडी ने 1 मैच विन किया, डीओबी ने 5 मैच विन किया और दोनों के बीच में 0 मैच ड्रॉ हुआ है। गाइस, नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं इस दोनों टीम का आज के मैच में पॉसिबल लाइनअप क्या होने वाला है। गाइस, पहले देखेंगे एनसीडी का जो आज के मैच में पॉसिबल लाइनअप है कुछ इस तरह। जय हुंग कर सकता है, के हुई डोंग कर सकता है, इन सुंग बूम कर सकता है, ए अल्थर कर सकता है, इन जी हैंग कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, के जे सुंग कर सकते हैं, के जैक ली कर सकते हैं, वाई यू जी कर सकता है। इन जी एनसीडी की तरफ से आज के मैच में पॉसिबल लाइनअप। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं डीओबी की तरफ से जो आज के मैच में पॉसिबल लाइनअप होगा कुछ इस तरह। गाइस, के हायोंग मिन कर सकते हैं, के इन टाई कर सकते हैं, पी कुन ओ कर सकते हैं, उसके बाद गाइस वाई सुक कैन कर सकते हैं, जे फर्नांडिस कर सकते हैं, सी सुंग गैन कर सकते हैं, सी योंग पी जी कर सकते हैं, पी गैन बी ओम कर सकते हैं। डीओबी की तरफ से आज के मैच में पॉसिबल लाइनअप। नेक्स्ट गाइस बात करें इस मैच में किसे मैंने अपने टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन को दोनों पिक कर सकते हो। जे फर्नांडिस को पिक कर सकते हो, वाई यू जी को पिक कर सकते हो, पी उन ओ जूनियर को भी अपने टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन के दौर में पिक कर सकते हो। तो गाइस इन 3 में से 2 प्लेयर को अपने टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन के दौर में पिक कर लेना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग के बारे में। अगर ग्रैंड लीग खेलो, मैं 2 चॉइस बोल दे रहा हूँ इस दोनों में, अगर दो गाइस देख सकते हो सी योंग जी को पिक करना और यहाँ से एन सी गैन को पिक करना। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, ये दोनों में से दोनों प्लेयर को ही आपको जीएल में, अगर जीएल खेलो तो डेफिनेटली पिक करना है। गाइस बात करें नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हो जे फर्नांडिस 20 से 36 पॉइंट कर सकते हैं इस मैच में, पी कुन ओ जूनियर गाइस यहाँ से 4 से 34 पॉइंट कर सकते हैं, वाई जी 12 से 24 पॉइंट कर सकते हैं, के जाई हैंड 4 से 12 पॉइंट कर सकते हैं इस मैच में। गाइस तो गाइस आइए देख लेते हैं इस दोनों टीम में से कौन से प्लेयर को मैंने अभी के लिए मैंने ड्रीम इलेवन में पिक करके रखा है। तो गाइस इस मैच में मेरा ड्रीम इलेवन टीम क्या होने वाला है, तो आइए देख लेते हैं। तो गाइस पहले शुरू करते हैं आउटफील्डर से। गाइस आउटफील्डर से मैं 3 प्लेयर के साथ जा रहा हूँ। गाइस पहले तो ये आल्थर को मैं पिक कर रहा हूँ, के हैंड के गायन को मैं पिक कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, जैसे गाइस देख सकते हो यहाँ पे के की हैंड को मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ से आपके लिए ऑप्शन में रह जाता है, अगर आपका खुद का टीम क्रिएट कर रहे हो तो पिक कर सकते हो, पिक उन को टीम में पिक कर सकते हो। गाइस इन सियोंग बूम को पिक कर सकते हो, नहीं तो गाइस के इन टाई को भी आज के मैच में अपनी टीम में पिक कर सकते हो।
नेक्स्ट गाइस आ जाते हैं इनफील्डर से। इनफील्डर से मैं फोर प्लेयर के साथ जा रहा हूँ, जे फर्नांडिस को मैं पिक कर रहा हूँ, ए जे सीओक को मैं ऐसे पिक कर रहा हूँ गाइस। थोड़े से नीचे स्क्रॉल करोगे वाइस यू ग्रैंड को मैं पिक कर रहा हूँ और पी मिन ओ को मैं ऐसे पिक कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ से आपके लिए ऑप्शन में दिया जाता है, जैसे कि देख सकते हो एच क्योंग मिन को पिक कर सकते हो, पी ग्रैंड बुयम को भी आपने टीम इस मैच में डेफिनेटली पिक कर सकते हो गाइस। नेक्स्ट गाइस आ जाते हैं पिचर से। पिचर से मैंने के टाई ग्रैन को मैं पिक कर रहा हूँ, एनसीडी का पिचर। आप चाहो तो यहाँ से डीओबी का पिचर जी बीन को भी आप के मैच में ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा लेकिन ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट गाइस आ जाते हैं कैचर से। देखो गाइस जो जो भाई ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया उन भाई को टेंशन करने को बात नहीं है, क्योंकि गाइस इस मैच को जो मेरा फाइनल टीम होगा मैं टेलीग्राम में देने वाला हूँ, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा। उसके बाद गाइस कैचर से मैंने एनसीडी का कैचर वाई यू जी को मैं ऐसे पिक करूँ। तो गाइस एक ही अच्छा ऑप्शन है, आप चाहो तो इसे भी पिक कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ से गाइस यहाँ से सी योंग जाई को भी आज के मैच में डेफिनेटली पिक कर सकते हो आज के मैच में गाइस। ठीक है गाइस कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में कैप्टन वाइस कैप्टन बोल दिया था आप लोगों को, तो गाइस अब अगर स्किप करते हुए वीडियो को यहाँ पर आए हो तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गाइस इस दोनों मैच के बारे में फुल्ली डिटेल्स में बोला हो गाइस। तो गाइस यहाँ पर स्किप करते हुए यहाँ पर आए हो तो कुछ डिटेल्स में मैंने कुछ बोलना ही नहीं है आपका। अगर पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपका खुद का टीम भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है गाइस अभी के लिए मैंने वाइस यू गायन को कैप्टन दिया है और जे फर्नांडिस को मैंने वाइस कैप्टन दिया है। आप चाहो तो जे फर्नांडिस का अगर नहीं देना चाहते तो गाइस यहाँ से के जे हैंड को भी दे सकते हो, नहीं तो गाइस यहाँ से के जे हैंड को कैप्टन और वाई गायन हैंड को अपने टीम में वाइस कैप्टन के तौर में पिक कर सकते हो। अभी के लिए मैंने वाइस यू गायन को मैंने अभी के लिए कैप्टन दिया और जे फर्नांडिस को वाइस कैप्टन दिया है गाइस। कुछ ऐसा होगा मेरा स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन, देख लीजिए मैं इस मैच में 5:4 कॉम्बिनेशन करके वाला मैच खेल लो। आप चाहो तो सेम भी खेल सकते हो, नहीं तो गाइस एक तरफा मतलब 6:3 और नहीं तो गाइस 3:6 कॉम्बिनेशन करके भी ये वाला मैच खेल सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट बात गाइस, ये मेरा फाइनल टीम नहीं है, ये लाइनअप का पहले का टीम है। अगर लाइनअप को आपको विनिंग वाला टीम चाहिए, जो टीम लेकर आप विन करना चाहते हो वो वाला टीम हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को दूसरी जगह ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके पहले गाइस वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके दोस्तों में जो जो फैंटेसी आप खेलते हो इंटरेस्ट रखते हो, और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसे लगी। चैनल में नहीं हुआ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में जो बेल बटन आएगा ना वो भी क्लिक कर देना। जब भी हम यूट्यूब पर न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो देख के आप भी अपडेट रहोगे। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।